योगी मॉडल के जरिए बंगाल जीतने की तैयारी और योगी मॉडल से ममता को घेरेगी बीजेपी। बता दें कोरोना काल में हासिल हुई उपलब्धियों का होगा जिक्र, श्रमिकों के लिए किए गए कार्यों का भी होगा जिक्र। लव जिहाद कानून, राम मंदिर निर्माण रहेंगे मुद्दे, अयोध्या और वाराणसी का दीपोत्सव भी होगा मुद्दा। पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से सीएम योगी की रैली की मांग, पहले भी सीएम योगी अलग अलग राज्यों में स्टार प्रचारक रहे। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक थे और काफी ज्यादा मांग थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ आए और उनके हक में, बीजेपी के प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील करें। अब पश्चिम बंगाल में मांग हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव नजदीक है। श्रमिकों के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र करेंगे। वहीं लव जिहाद कानून, अयोध्या में राम मंदिर का भी इस रैली में जिक्र होगा। योगी मॉडल के जरिए बंगाल जीतने की अब तैयारी की जाएगी। योगी मॉडल से ममता बनर्जी को घेरेगी बीजेपी, क्योंकि कोरोना काल में अगर किसी राज्य में देखा गया सबसे ज्यादा काम हुआ तो यूपी में देखा गया। हालांकि यूपी में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, लेकिन जिस तरह से श्रमिकों के लिए कार्य हुआ, रोजगार दिए गए, तो वो एक अहम मुद्दा रहा। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सर्वोपरि रहा जब रोजगार की बात आई। अब इसी मॉडल पर पश्चिम बंगाल को जीतने की तैयारी की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से देखा गया है कि हाल ही में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत ज्यादा मांग थी कि यूपी के सीएम में आए और उनके हक में वोट की अपील करें बीजेपी के प्रत्याशियों के। अब पश्चिम बंगाल में जो है योगी मॉडल से ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी की जा रही है। क्या आपको बता दें, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 3 चरणों में करीब 19 सभाएं की थी, वही कहीं ना कहीं से कह सकते हैं तमाम उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसके नतीजे जो है वो अभी तक दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेके कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो योगी मॉडल के जरिए पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार को पूरी तरह से घेरने की योजना बना रही है। और आपको बता दें कि बिहार और हैदराबाद के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में भी चुनाव प्रचार करेंगे। इसमें तमाम तरह की वो उपलब्धियां गिनाई जाएंगी जो उन्होंने अपने कार्यकाल में की है। कहीं ना कहीं से उनका जो काम करने का जो तरीका है वो भी लोगों को पसंद आया। और इसमें अगर हम देखिए बात करी जाए, आर्थिक विकास को एक मुद्दा बनाया जाएगा। जिस तरह से लगातार उन्होंने किसानों को लेकर, श्रमिकों को लेकर जो कार्य किए थे उन उपलब्धियों का जिक्र होगा। वही एक जो सबसे बड़ा कह सकते हैं मुद्दा था लव जिहाद का मुद्दा, यहाँ के मुद्दे को वहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके से उसको यहाँ पर लाया गया और किस तरीके से जो लड़कियां थी भोली भाली, जो लड़कों के चक्कर में फंस जाती थी, कहीं ना कहीं से परेशान होती थी, वो उपलब्धि को गिनाया जाएगा। उसी के साथ साथ आपको बता दें खुशबू की राम मंदिर निर्माण से लेके अयोध्या और वाराणसी का जो दीपोत्सव मुद्दा, कह सकते हैं कि एक वो बड़ा चर्चा बना था, उसको लेकर भी वो मुद्दा वहां पर गिनाया जाएगा। और आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक डिमांड आ रही है, स्टार प्रचारक के रूप में उनकी एक मांग रहती है कि उनको जिस तरह से बिहार में बुलाया गया था, जिस तरह से हैदराबाद में बुलाया गया था, उसी तरह से देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए और एक स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर काम करें। कहीं ना कहीं से देखिए जहां जहां भी योगी गए हैं, विपक्ष का जिस तरह से लगातार कहना आया है कि वहां वहां पर जरूर भारी संख्या में कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मत है वो भी बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं से उनका एक जो है वो कटाक्ष भी रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन जिस तरह से एक हिंदूवादी नेता के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान है, उससे लगता है कि आने वाले समय में बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल जिस तरह की पहचान बनी हुई, जिस तरह का व्यक्तित्व है, ऐसे में देखा गया है कि जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है वोट मिल भी रहे हैं। क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बिहार की अगर बात करेंगे तो जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जगहों पर रैली की थी वहां पर वोट बैंक जो अच्छा खासा रहा था और वहां उन 10 सीटों पर जो है बीजेपी की जीत भी हुई थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल जो है यहां पर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। ऐसे में यही जो वजह मानी जा रही है, व्यक्तित्व माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कि उन्हें बुलाया जाए, वो प्रचार करें ताकि जो है और ज्यादा वोट मांग सके और वोट जो है ज्यादा ज्यादा उनके हक में जाए। बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना यह है कि बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतने का वो पूरे तरीके से दावा कर रही है। और कहीं ना कहीं से देखिए जिस तरह से कई बड़े नेता जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो पिछले दिनों अभी टीएमसी में जिस तरह से कई बड़े नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद कह सकते हैं कि ममता के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं से सोचने का विषय बन गया था। और इससे कहीं ना कहीं से देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एक मनोबल है वो काफी मजबूत हुआ है।
तो आपको बता दें देखिए, जिस तरह से अमित शाह बंगाल में करीब 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरह से योगी मॉडल के जरिए बंगाल में बीजेपी वहां पर पहुंच रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश करी जा रही है, तमाम तरह की वहां पर उपलब्धियां गिनाई जा रही है, इसको लेकर देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना। संदीप, ये भी देखा जाए, जब लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा किसी सीएम का नाम आ रहा था काम के लिए, की किसी ने काम किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ का। जब प्रवासी श्रमिक आ रहे थे उनके लिए लगातार लगे हुए थे, उसके बाद कैसे कैसे धीरे धीरे जो है जिंदगी पटरी पर जब लाए हैं और धीरे धीरे रोजगार दिए गए हैं, ऐसे में जो प्रवासी श्रमिक आए उन्हें भी रोजगार दिए हैं, तो एक जो एक मॉडल तैयार हुआ है, जो एक तस्वीर सामने आई है सीएम योगी आदित्यनाथ की, ये दिखाई दिया है कि लगातार वो लगे हुए हैं लोगों के लिए। बिल्कुल खुशबू, जाहिर सी बात है इसमें कोई दोराय नहीं है। कोरोना का काल ऐसा था कि जिसमें कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो सड़कों पर नजर नहीं आया। अगर हम सड़कों की बात करें तो वो कह सकते हैं कि अपने घर से बाहर नहीं निकले, उसमें चाहे बड़े बड़े नाम शामिल हो, लेकिन वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार मीटिंग करी है। उस दौरान मुख्यमंत्री के पिताजी की कह सकते हैं मृत्यु होने पर भी वो वहां नहीं गए थे, और उन्होंने साफ तौर पे हवाला दिया था कि अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो यहां का काम कौन करेगा। कहीं ना कहीं से एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के लिए काम किया, मुफ्त उन्होंने लंगर चलवाए, मुफ्त उन्होंने भंडारे करवाए, साथ ही साथ उन्होंने लोगों को राशन तक उपलब्ध करवाया है, तो एक बड़ा मुद्दा है कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं कि एक ऐसे ऐसे नेता बनके, या कह सकते हैं कि ऐसी छवि वाले बनके लोगों के सामने उभरे हैं जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं करी थी, और उनकी जो वाहवाही है वो तमाम दूर दूर तक हुई थी, और उसमें ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की परवाह किए बगैर वो लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए डटे रहे। टीम 11 के साथ रोजाना बैठक होती थी और उसमें वो देखते थे कि कहां कहां पर जो है काम हो रहा है, और ये भी देखा था कि वो अस्पतालों में अचानक पहुंच जाता था अलग अलग जनपदों के। देखिए कोरोना का काल ऐसा दौरान था जिसमें कहीं ना कहीं से हर एक कोई जो इंसान था वो संक्रमण से डरता था, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन भी घर के अंदर नहीं बैठे हैं, वो लगातार अस्पतालों में गए हैं, और साफ तौर पर उन्होंने डॉक्टरों पे सख्ती भी करी, और उन्होंने कहा है कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, मास्क को फ्री में बांटा जाए, जिसको लेकर उन्होंने स्वयं सहायता समूह का एक पूरा ग्रुप तैयार किया गया था जो MSME के तहत किया गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं से देखिए महिलाओं को एक रोजगार भी मिला था, और साथ ही साथ उस दौरान जो मास्क को लेकर एक दिक्कत हो रही थी वो भी दूर की गई थी। बिल्कुल, संदीप, अब देखना होगा क्योंकि जिस तरह से अब बीजेपी ने ये तैयारी करी है कि जैसे बिहार में फतेह हासिल करी जहां 10 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, अब वहां बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में भी यही तैयारी कर रही है, तो क्या नतीजा रहता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी एक छवि ऐसे आई है कि जहां जहां वो वोट की अपील कर रहे हैं वहां वोट जरूर मिल रहे हैं। संदीप, खैर खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।